हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट थर्ड। तीसरा पार्ट मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको ये फुट बता रही हूँ, फुट और फुट पैड दोनों बताऊँगी। तो ये फुट है इसका, इसका हम सबसे पहले विड्थ और हाइट मेजर कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 16 इंचेस है और जो हाइट है वो है इसकी 10 इंचेस। तो आपने एक बॉक्स बना लेना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, मैंने एक शीट लिया है चार्ट पेपर, इस पर मैं पहले नाप के 16x10 का एक बॉक्स बना लूँगी। देखिए, मैं मेजर कर रही हूँ नीचे से 16, और उसके बाद में मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी है, एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से बना लेना है एक रेक्टेंगल, 16 का विड्थ और हाइट 10 इंचेस की। अब हमने इसका, देखिए ये बॉक्स करने के बाद में हम इसका सेंटर मेजर करेंगे। अब इसका मैं सेंटर नाप लेती हूँ। देखिए, सेंटर आएगा 8 इंचेस पे, तो यहाँ भी मार्क कर देती हूँ और इसी तरह से सेम ऊपर के साइड में भी सेंटर मार्क कर देती हूँ और एक लाइन खींच दूँगी सेंटर पे। ठीक है, अब हमने ये वाला कट बनाना है। देखिए, अब इसको मेजर करते हैं, ये कितना आ रहा है, 3 इंचेस का, और इसका जो गैप है वो भी मेजर करते हैं, ये भी हमारा सेम 3 इंचेस का आ रहा है। तो हम सेंटर की लाइन से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर मार्क कर लेंगे और नीचे के साइड भी हम 3 इंच का, देखिए एक लाइन खींच देंगे। सेम इसी तरह से आप दूसरे साइड भी, आप एक काम कीजिए, आप हाफ में बनाइए और हाफ हम कट करके निकालेंगे। ठीक है, अब हमने इसका ये साइड का मेजर करना है। साइड का हम क्या करेंगे, देखिए नीचे से 3 इंच पर एक मार्क कर दीजिए और साइड से भी हम 3 इंच पे ही मार्क करेंगे और इन दोनों को हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे, इसको बाद में हल्का सा आप कर दे सकते हो लेकिन अभी लाइन खींच दीजिए। अब हम ये नीचे का देखते हैं, नीचे का देख रहे हैं आप, नीचे भी कट है तो इसको देख लेते हैं कितनी दूरी पे है। ये है 1.5 इंच, 1.5 इंच आपने ऊपर एक मार्क लगा लेना है। देखिए, इधर से नाप लिया मैंने, 1.5 इंच में नाप रही हूँ और उसके बाद मैं एक स्केल से लाइन खींच दूंगी। इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी है और अब ये जो नीचे का पोर्शन है ना, देखिए इसमें हल्का सा कर्व लेना। हम क्या करेंगे, हाफ पे बनाएंगे, हाफ हमारा कटिंग से आ जाएगा, तो मैं हाफ में ही निशान बना रही हूँ। देखिए, हाफ तक ही ले जा रही हूँ मैं, इसमें भी हल्का सा आप कर्व दे सकते हैं और यहाँ पर अब जो ये कॉर्नर है कर्व लगा देंगे। देखिए, इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही आपने बनाना है। उसके बाद हम ये बॉक्स जो है इसको कट कर लेते हैं, जो हमारा ये रेक्टेंगल है ना हमने बनाया था, इसको हम चारों तरफ से काट लेते हैं जो बॉक्स बनाया था हमने। देखिए, इस तरह से कट करने के बाद में अब इसको हम फोल्ड करेंगे सेंटर से, जो सेंटर की लाइन हमने खींची थी ना, बिल्कुल उधर से आपने एग्जैक्ट फोल्ड करना है और हम इसको कट करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, ये कर्व आ गया, ये यहाँ नीचे का पोर्शन और ये वाला कर्व। तो इस तरह से हमारा ये देखिए फुट पैड बन के, जो फुट है, फुट पैड नहीं, फुट है, बन के रेडी हो गया है। बनाते हैं हम इसका फुट पैड। देखिए, ये सर्कल हमने बनाना है। सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट नाप लेते हैं। देखिए, 12 इंचेस बाई 12 इंचेस, इतने का आपने एक स्क्वायर काटना है। देखिए, मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है, एक स्क्वायर बॉक्स काटना है 12 बाई 12 इंचेस का। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे। अब जो ये कोना है ना, यहाँ से आपने 6 इंच करके नापिए। देखिए, किनारे से आप नापते शुरू कीजिए और लाइन खींचते जाइए। देखिए, इस तरह से ये हम 6 इंच पे नीचे से नाप के, कोने से बिल्कुल 6 इंच पे इस तरह से नाप के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से मतलब जोड़ लेंगे उन लाइंस को जो आपने बनाया। अब मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सर्कल बन जाएगा। ये फुट पैड हमारा बन के रेडी हो गया। अगर आप लोगों को ये कटिंग जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो मैंने बनाया है, अगर ये आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा, तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।